हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। तो आज के टॉपिक में हम जितना भी थ्योरी आपको समझाएंगे तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी रहने वाले हैं। तो आज का टॉपिक और आज का जो सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। तो स्टूडेंट, नष्टीकरण या फाइलिंग, नष्टीकरण फाइलिंग के बारे में हमने आपको इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि नष्टीकरण या फाइलिंग क्या होती है, ठीक है। और आज हम उसी के साथ में हम इससे आगे का टॉपिक भी बताएंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने नष्टीकरण की प्रणालियों के बारे में बताया था कि नष्टीकरण की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं और साथ ही ये भी बताया था नष्टीकरण की लेटी या पट प्रणाली कौन सी होती है, ठीक है। और उसके कुछ टॉपिक भी बताए थे हमने, जैसे कि तार फाइल, फोल्डर फाइल, कार्डबोर्ड या दफ्ती की फाइल, लोहे की सलाखों वाली फाइल, सेनल फाइल, कबूतर के खानों वाली फाइल, संदूक नुमा या फिर बॉक्स फाइल या गार्ड फाइल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी लेटी हुई प्रणाली नष्टीकरण की प्रणाली भी थी, ठीक है। अब इसी के साथ में आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो नष्टीकरण की खड़ी प्रणाली और नष्टीकरण की लेटी हुई प्रणाली से रिलेटेड रहेगा। तो स्टूडेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नष्टीकरण की खड़ी प्रणाली और नष्टीकरण की लटकती हुई प्रणाली कौन कौन सी होती है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं। ये नष्टीकरण की प्रणाली, जैसे कि मैंने कहा था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जितना भी मैं आपको बताऊँगी अगर उतना आपको एग्ज़ाम के टाइम याद रहा आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, नष्टीकरण की खड़ी प्रणाली से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि नष्टीकरण की खड़ी प्रणाली, यह है नष्टीकरण की आधुनिक विधि होती है। नष्टीकरण की इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों की खड़ी अवस्था में रखा जाता है। अब खड़ी अवस्था में कैसे रखा जाता है स्टूडेंट, जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये एक पेन है, ठीक है। हमने इस पेन को कुछ इस तरीके से खड़ा करा, ठीक है। अगर हम इसे इस तरीके से लेटा देंगे तो ये हो गई हमारी लेटी हुई फाइल, और यदि हम इसे सीधा खड़ा कर देंगे तो ये हो गई हमारी लटकती हुई फाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी फाइलें बिल्कुल सीधी रखी जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया फाइल बिल्कुल सीधी रखी जाएगी। और वर्तमान में बड़े बड़े आधुनिक व्यापारियों तथा सरकारी कार्यालयों की एक इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आधुनिक व्यापारिक ये आज भी हमारा यहाँ पर चल रहा है और सरकारी कार्यालय में इसको यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग भी किया जाता है। अब इसी तरीके से खड़ी प्रणाली के भी कुछ फाइलें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ, दराज, अलमारी, फोल्डर, संकेत कार्ड, अनुपस्थित कार्ड और स्थानांतरण पेटियाँ, ठीक है। तो पहले नंबर पे जैसे कि दराज, अलमारी होती हैं, ये सब खड़ी प्रणाली की ही, खड़ी फाइलिंग प्रणाली ही होती हैं और इसी से रिलेटेड होती हैं। अब दराज अलमारी है, दराज अलमारी आपको पता होनी चाहिए वो किस टाइप की होती है। एक दराज अलमारी ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है लाइन लाइन सी, तो ये क्या होता है हमारी, इसमें 24 खाने होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और चार ही यहाँ पर एक तरीके से कॉलम होते हैं, यानी कि चार हमारे यहाँ पर ये बॉक्स होंगे और इस बॉक्स के अंदर कितने खाने होंगे स्टूडेंट, 24 खाने होंगे, जिसकी दराज काफ़ी लंबी होती है और दराजों के नीचे पहिए यानी कि दो रेले लगी हुई होती है, जिसे आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अंदर बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खींची जा सकती है, दराजों के बाहर एक फ्रेम भी लगा होता है जिस पर संख्या लिखी हुई होती है स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से के तक। अब ए से के तक की नाम वाली फाइल जितनी भी हैं वो उसके अंदर होगी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एल से एम तक, तो एल से एम तक वाली फाइल भी हमारी ए से अंदर होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक ही बॉक्स के अंदर कितनी फाइलें होती हैं, 24 फाइलें होती हैं, और ये 24 फाइलें हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि हमने कहा किसी नाम से, यानी कि किसी वर्ड से, हमारे स्टार्टिंग से ले लिया, ए बी सी डी का कोई भी नंबर यहाँ पे
दे दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कॉलम होते हैं वो ओनली 4 होते हैं और उसके अंदर 24 खाने होते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसी के साथ में सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, फोल्डर। अब स्टूडेंट फोल्ड तो आप जानते ही हैं, जब हम किसी चीज़ को दो हमारे पास एक फाइल होती है जिसे आसानी से हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ पत्र भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी फाइलें यानी कि दराजों में रखे जाने वाले फोल्डरों को एक व्यक्ति के लिए एक माना जाता है। इन फोल्डरों में समस्त पत्र व्यवहार रखा जाता है और ये फोल्डर एक सख्त मोटे मजबूत मनीला कागज के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके पास भी फाइलें होंगी और उस फाइल में कुछ हमारी फाइल ऐसी भी होती हैं जो व्यापार से रिलेटेड होती हैं, जो आपके व्यापार में जो घर में या यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्कूलों में यूज़ की जाती है। तो फोल्डर के पीछे का भाग सामने के भाग से कुछ ऊंचा होता है और उठा हुआ भी होता है, तो ग्राहक का नाम और उस पर निर्धारित संख्या भी लिख दी जाती है। तो ऐसी फोल्डर खड़ी प्रणाली होती हैं, ठीक है, खड़ी अवस्था वाली होती हैं। अब संकेत कार्ड, स्टूडेंट संकेत कार्ड का मतलब है हमें कोई वर्ड दे दिया है या फिर ABCD का कोई शब्द दे दिया है जो भी हमारे यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो इसी तरीके से कार्ड मोटे और सख्त मनीला कागज़ के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। इस पर ABCDE, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ डायरियाँ भी होती हैं इस तरीके की, जिस पर ABCDE इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ए वाले कॉलम में हम सिर्फ ए वर्ड वाले नाम ही लिखते हैं, बी वाले में बी के, सी वाले में सी के और डी वाले में डी के। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक संकेत कार्ड जो संकेत दे रखा है, जैसे कि हमें कोई फाइल हमें ढूंढनी होती है, मान लिया हमें सी की फाइल ढूंढनी है तो हम सीधा सीधा सी को खोल सकते हैं क्योंकि सी हमारा ऑलमोस्ट बाहर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका आकार दराज की गहराई के बराबर होता है और इन पर संख्या अक्षर विषय या नगर नाम से लिखा होता है। तो इन कार्डों का दराज फोल्डर ढूंढने या दराजों के कई भागों में बांटने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इनकी जगह जगह पर इन्हें ढूंढने में आसानी भी होती है। इसी तरीके से लास्ट टॉपिक यहाँ का दे रखा है इसका खड़ी फाइलिंग का, तो यहाँ पर क्या दे रखा है अनुपस्थित कार्ड। एक और है हमारा लास्ट में जो रहेगा, ये सेकंड लास्ट है हमारा। तो इन कार्डों को उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि दराज में से किसी फोल्डर को बाहर निकाला जाता है। ये कार्ड भी सख्त और मनीला कागज़ के होते हैं, स्टूडेंट याद रखना ये मोटे कागज़ के बने होते हैं, मोटे गत्ते के बने होते हैं ये फाइलें, जो अनुपस्थित कार्ड वाली फाइलें होती हैं जिस पर नंबर, फोल्डर निकालने की तिथि या समय, फोल्डर निकालने वाले का नाम लिख दिया जाता है। तो ऐसी फाइलें जो हमारी, जैसे कि हमारे पास कोई फाइलें होती हैं, हम अधिकतर मोस्टली क्या करते हैं उन फाइलों के बाहर एक हम अपना नाम भी लिखते हैं, फोल्डर में निकालने वाली तिथि यानी कि हमने देखा है कि हम कौन सी तिथि में जैसे कि फाइल को रेडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं फाइलों का डेट भी लिख देते हैं और साथ में समय भी लिख देते हैं कि कब किस टाइम ये तैयार की गई थी। तो इसी तरीके से हमारी ये अनुपस्थित कार्ड होती है, अनुपस्थित यानी कि अब्सेंस कार्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो ग्राहक हैं वो कब हमारे मतलब फाइलें किस टाइम हमारे से क्रय विक्रय करते हैं और उस फाइलों में उसका लेखा किस तरीके से किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे निश्चयकरण की ये फाइल प्रणाली होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फोल्डर नंबर, तिथि, समय, निकालने वाले का नाम यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, अपडेट या फिर फोल्डर नंबर, डेट एंड टाइम, ड्रोवर नेम, ठीक है, ड्रोवर यानी निकालने वाले का नाम जो होता है। इसी तरीके से होता है स्थानांतरण पेटियाँ, जब कोई दराज भर जाती है या निश्चित समय के बाद दराजों को खाली किया जाता है, यानी कि कुछ जब पूरी फाइलें भर जाएंगी तो क्या करेंगे स्टूडेंट, उन्हें खाली भी तो करना पड़ेगा उन दराजों को, एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें खाली करना पड़ता है, तब इन फोल्डरों को किसी साधारण संदूक या पेटियों में रख दिया जाता है, यानी कि जो पुरानी फाइलें होती हैं उन्हें निकाल करके हमें नई फाइलें रखनी होती है और जो पुरानी वाली फाइलें होती हैं उन फाइलों को हम कहाँ रखते हैं, संदूक या पेटियों में रख देते हैं और ऊपर एक चिट लगा देते हैं जिससे निर्देश नाम, समय, तिथि के रूप में डोकेट बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर फोल्डरों को बाहर आसानी से निकाल सके और कोई कठिनाई ना हो ढूंढने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्थानांतरण, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको समझाया कि हमारे पास जो बॉक्स होता है, जो दराज होती है वो हमारी फुल हो जाती है यानी कि भर जाती है, तो हम क्या करते हैं उन पुरानी फाइलों को निकाल करके उसमें कुछ नई फाइलें रख देते हैं और जो पुरानी फाइलें होती हैं उसे हम संदूक व पेटियों में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्थानांतरण पेटियाँ होगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। उसके बाद में आता है स्टूडेंट फोल्डरों का दराज में रखने की विधि या क्रम। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो इससे रिलेटेड होता है
इससे रिलेटेड जो क्या नाम है फाइल है हमारी, वो कैसी बनती है, ये इम्पोर्टेंट हमारा कैसे रहेगा। तो मैंने अभी जो आपको ये प्रणालियाँ समझाई हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए जितना मैंने आपको समझाया है, अगर आपको एग्ज़ाम में इतना भी याद आ जाता है तो आप बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जितना मैंने याद कराया है उसी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। डटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ उसे ध्यान से समझिए, अच्छे से प्रिपेशन कीजिए। इसी वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपकी प्रिपेशन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बताया फोल्डरों को दराज में रखने की विधि या क्रम किस तरीके से होता है, वर्णमाला अनुसार, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पता ही होगा वर्णमाला किसे बोलते हैं, ABCD को हम वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। और भूगोलिक क्रम, संख्या क्रम, वर्णमाला एवं संख्या दोनों के आधार का क्रम, विषय के अनुसार क्रम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये याद रखना, जो वर्णमाला क्रम होता है ABCD से रिलेटेड होता है, जिस पर ABCD संख्या दिखी रहती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो वर्णमाला बॉक्स, ठीक है। तो ये एक बॉक्स होता है जिस पर हमारी ये फाइलें रखी हुई हैं, ए नंबर की पहले BCD यानी कि सिक्वेंस में रखी हुई हैं। तो जैसे कि हमारे पास डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी में हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फॉर एग्जांपल BA, ठीक है। B के बाद A आया, फिर E आया, IOU या Y, यानी कि सीक्वेंस में है। अगर B के बाद भी कोई वर्ड दे रखा है तो उसे भी हम सीक्वेंस में रखेंगे, जैसे कि डिक्शनरी में लिखा हुआ होता है। आप सभी के पास डिक्शनरी होगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यदि डिक्शनरी आपके पास नहीं है तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारी किस तरीके से लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है स्टूडेंट, भूगोलिक क्रम, ठीक है। तो इस क्रम के अनुसार दराजों को संकेत कार्ड के द्वारा भूगोलिक क्रम में बांट दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो संकेत कार्ड होते हैं उसमें भूगोलिक क्रम किस तरीके से रखेंगे, मान लें कोई जगह है, ठीक है, और उस जगह में यानी किसी आप सिटी में रह रहे हैं, जिस सिटी में भी आप रह रहे हैं, मेरठ, दिल्ली, जो भी है आपका, जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो उसी में एक भूगोलिक क्रम होता है, यानी कि उस भूगोलिक क्रम को ही आपकी जगह का नाम दे दिया जाता है, यानी कि शहर और राज्य का, ठीक है। तो कोई जगह या यहाँ पर दे रखा है तो स्टूडेंट इस चीज़ में याद रखिएगा, जहाँ पर शहर और राज्य का नाम दे रखा हो वहाँ पे भूगोलिक क्रम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद या लखनऊ दे रखा है। तो इसी तरीके से हमारा ये अलग अलग पैटर्न का होता है। तो सबसे पहले मेरठ की फाइलें हैं तो मेरठ मेरठ की होगी, तो यहाँ पर गाजियाबाद है, लखनऊ है, तो सिक्वेंस में हमारी इस तरीके से लग जाती है। उसके बाद संख्या क्रम, तो स्टूडेंट संख्या क्रम हम कैसे करेंगे, जैसे 10 से 20, तो यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हमारी ये डिटेल होती है जिसमें हमारी संख्या लिखी हुई होती है। और जो जैसे कि संख्या लिखी हुई होती है हम इस तरीके से बॉक्स नुमा दिखाते हैं, ठीक है, उस बॉक्स में हम इस तरीके से संख्या यानी कि सीक्वेंस में डालते हैं कि हमारी कौन कौन सी है। याद रखना जैसे कि 10 से 50 तक हमारी पहले दे रखी है, 50 से 100, फिर 100 से 150 या 150 से 200, 200 से 250, हमारा यहाँ पर इस तरीके से सीक्वेंस संख्या डाली हुई होती है। फोर्थ नंबर पे दे रखा है वर्णमाला एवं संख्या दोनों के आधार पर क्रम। अब वर्णमाला एवं संख्या दोनों के आधार पर क्रम किस तरीके से करते हैं, यह है विधि। वर्णमाला और क्रम संख्या दोनों से रिलेटेड होती हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा अंबा लाल लिखा हुआ है 1 से 1, यानी कि नेम इंग्लिश कैपिटल में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल संख्या भी दे रखी है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारा अंबालाल है। सेकंड नंबर पे अरुण कुमार यहाँ पर दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या भी लिखी हुई है, तो सभी के नाम के आगे कोई ना कोई संख्या होगी, जिसको हमने कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी, तो उसी संख्या से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर वर्णमाला एवं संख्या दोनों के आधार पर क्रम होती है, तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि वर्णमाला एवं संख्या दोनों के आधार पर क्रम क्या फाइलें हमारी तैयार की जा सकती हैं, या फिर अनुक्रम का जो हमारी लाइन है, सीक्वेंस है, क्या वो हमारी बन सकती हैं। तो याद रखिएगा अनुक्रमणिका यानी कि सीक्वेंस में नहीं बन सकती, इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। अनुक्रमणिका का मतलब होता है यानी कि क्रम के अनुसार लगा हुआ, ठीक है। तो यदि हमारी कोई क्रम के अनुसार है तो क्या वो हमारी लग सकती है, नहीं जी हमारी नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो अंबालाल, अरुण कुमार, अखिलेश, ये सबके नाम एक तरीके से अलग हैं और सबको अलग अलग संख्या दी हुई है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमारी अलग अलग संख्याएँ हैं। तो आप जान सकते हैं स्टूडेंट जैसे कि वर्णमाला एवं संख्या क्रम दोनों के आधार पर जो फोल्डर्स होते हैं वो किस तरीके से रेडी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला और संख्या दोनों के आधार पर क्रम है। नेक्स्ट आगे जो देखते हैं हम,
स्टूडेंट विषय के अनुसार क्रम। अब विषय के अनुसार क्रम कैसे होंगे स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब हम कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारी उनकी फाइलें अलग अलग बनाई जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने किसी से स्टॉक लिया, ये भी पता है कि हमारा कोई लेखा विभाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रय वाली फाइल है हमारी एक जगह अलग से लगाई जाएगी, ऐसी विक्रय वाली, विक्रय यानी बेचना, क्रय यानी कि खरीदना, तो हमारी खरीदने और बेचने की अलग अलग तरीके से फाइलें लगी हुई होती हैं। तो एक विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमने अलग तरीके से सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर लिखे हुए हैं तो उसी तरीके से हम ये फाइल को रेडी करते हैं यानी कि रखते हैं। उसके बाद में खड़ी फाइलों के कुछ गुण भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देती हूँ, गोपनीयता एवं सुरक्षा, शीघ्रता। गोपनीयता होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कैसे कैसे कितने अच्छे गुण हैं, वो सुरक्षा से किस तरीके से उसको रखा जा सकता है। फिर उसके बाद शीघ्रता, पत्रों को, फाइलों को यानी कि आसानी से कितने तरीके से ढूंढ सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पत्र खोजने में भी सुविधा हमें आसानी से होती है, ये हमारे अच्छे गुण हैं खड़ी फाइलिंग में। फिर उसके बाद लोजार प्रणाली, पत्रों के कटने फटने का भय नहीं रहता है, पत्रों में एकत्रित रूप से संग्रहित करने की सुविधा होती है और साथ ही स्टूडेंट सुगमता भी बनी रहती है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या नाम है यहाँ पर गुण। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब किसी में गुण होता है तो सिंपल सी बात है उसमें दोष भी जरूर पाया जाता है कहीं ना कहीं, तो इसके दोष भी साथ में आप जान लीजिए। तो स्टूडेंट ये वो दोष है खड़ी फाइलिंग के प्रणाली के दोष, जिसमें जटिल प्रणाली, समय एवं श्रम का अपव्यय, यानी कि जो बहुत इसे जब सीक्वेंस में लगाते हैं हम तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम आगे पीछे तो नहीं रख रहे हैं, हम सही से लगा रहे हैं। अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्योंकि सारे दराजे से रिलेटेड फाइल होती है, हर किसी में कोई ना कोई क्रम होता है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो तरीका होता है वो जगह जो कम यूज़ होती है वो लेटी हुई फाइल में होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पत्रों के बिखरने में खोने का भय होता है, इसमें सूची तैयार करने की कठिनाई होती है। तो ये हमारे यहाँ पर इसकी परेशानियाँ हैं, इसके दोष हैं जो आपने जाना। इसी के साथ स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन बनकर आ जाता है निश्चयकरण की खड़ी पे पट प्रणाली। अब खड़ी पे पट प्रणाली, जैसे कि मैंने पट प्रणाली किसे बोलते हैं, मैंने कहा था लेटी हुई प्रणाली को हम पट प्रणाली बोलते हैं। तो ये पता होना जरूरी है कि खड़ी प्रणाली, फाइलिंग प्रणाली पर लेटी पट प्रणाली हमारी कैसी होती है। तो पत्र रखने का ढंग और इसमें पत्रों को खड़ा करके रखा जाता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसमें कैसे लेटी हुई में लेटे हुए को रखना रखा जाता है, ऐसी उत्तर का रखना होता है किसमें, खड़ी फाइलिंग में, और ऐसी हमारा उत्तर का रखना नहीं होता है लेटी हुई पट प्रणाली में, ठीक। क्या दे रखा है, पत्रों को बांधना। अब खड़ी प्रणाली में तो पत्रों को बांधकर नहीं रखा जाता है, लेकिन लेटी हुई प्रणाली में पत्रों को बांध करके रखा जाता है। अब खड़ी प्रणाली हमारी महंगी प्रणाली होती है और लेटी प्रणाली हमारी कैसी होती है, हमारी कम खर्चीली की होती है। स्थान घेरना, ये अधिक स्थान घेरती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दराज, इसमें ये दराजों में रखी जाती है एक तरीके से, और ये कम स्थान घेरती है क्योंकि एक के ऊपर एक रखी जाती है। पत्रों को ढूंढना, ये क्या होता है, पत्रों को ढूंढने में बहुत सीधा रहती है और इसमें पत्रों को अधिक समय लगता है, क्यों, क्योंकि जो फाइलें हमारे ऊपर नीचे रखी हुई होती है उसे निकालने में हमें दिक्कत होती है और आसानी से हमें ढूंढ भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक फाइल को अलग अलग निकाल करके देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, हम ढूंढ पा रहे हैं नहीं, तो उसे ढूंढने में हमें ज़्यादा समय लगता है। पत्रों का कटने फटने का भय बहुत ज़्यादा रहता है, तो पत्रों को कटने फटने का भय का डर किस में रहता है, खड़ी फाइलों में नहीं रहता है, लेकिन हमारी लेटी हुई फाइलों में रहता है, क्योंकि हम ऊपर नीचे जो फाइल रखते हैं तो वो हमें निकालने में दिक्कत होती है, और जब हम ऊपर नीचे निकालने में दिक्कत होती है तो जैसे ही हम उसको निकालते हैं तो वो फटने का भी डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये क्या होता है, पत्रों का कटना फटने का भय रहता है। ऐसी स्टूडेंट हमारी यहाँ पर क्या दे रखा है, लास्ट यानी कि लटकती हुई प्रणाली। मैंने आपको बताया था, इस वक्त मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताती है, यानी लेटी हुई प्रणाली आप जान चुके हैं, खड़ी प्रणाली के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन लटकती हुई प्रणाली क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो यह प्रणाली खड़ी प्रणाली, फाइलिंग प्रणाली का ही संशोधित एवं विस्तृत रूप होता है। किसका, खड़ी प्रणाली का। अब संशोधित रूप खड़ी प्रणाली का क्यों होता है, क्योंकि जैसे लटकती हुई प्रणाली होती है वो किस तरीके से रहती है वो देख लीजिए, इसमें भी पत्र खड़ी अवस्था में रखा जाता है किंतु वे तले हुए न टिके हुए अधर पर लटकते हुए रहते हैं, यानी कि वो जमीन से नहीं टिके हुए होते हैं, ऊपर ही लटके हुए होते हैं, ठीक है। इसी कारण से लटकी हुई खड़ी प्रणाली कहते हैं। खड़ी प्रणाली के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट, दराजे, फोल्डर, सूची, ये चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ये जान लीजिए। खड़ी फाइलिंग प्रणाली को भांति इसमें एक खानेदार अलमारी की आवश्यकता होती है, किंतु
इसकी दराजें खड़ी फाइल की दराजों से अधिक गहरी होती हैं। अब गहरी जो होंगी वो किस कंडीशन में होंगी, तो वन मोर कंडीशन हमारी जो लगाई जाती है खानेदार वाली अलमारी रखी आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी हमारे दराजे बन सकती हैं। ठीक ऐसी ये फोल्डर प्रणाली होती है खड़ी फाइलिंग प्रणाली के समान, इसमें भी फोल्डर की आवश्यकता होती है। इसमें फोल्डर के एक विशेष प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनका एक सिरा और दूसरे सिरे पे कुछ बड़ा होता है। स्टूडेंट आपने फोल्डर तो देखा ही होगा, उस फोल्डर में क्या होता है, हमारे दो सिरे होते हैं और दोनों सिरे में हमारे कुछ या तो स्टैंड लगे हुए होते हैं या फिर कोई धातु लगी हुई होती है या फिर कह सकते हैं कोई तार लगा हुआ होता है जिसे हम फाइल को रोक सकते हैं, यानी कि उस पत्र को आसानी से बांध सकते हैं। जैसे कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में रेडी करते हैं, तो प्रोजेक्ट फाइल आप किस किस तरीके की बनाते हैं, काफ़ी तरीके की होती है। तो प्रोजेक्ट फाइल में हम पत्रों को लगाते हैं तो किस, यानी कि पेपर लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। हमारे फाइल को खोलने के बाद एक स्टैंड भी होता है, उस स्टैंड को हटाया, या फिर एक तार वाली फाइल होती है, या फिर कह सकते हैं बाहर के साइड एक प्लास्टिक का स्टैंड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी सूची क्या होती है, सूची। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पृथक से सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें फोल्डरों पर जो चिटें लगी रहती हैं वे ही सूची का काम करती हैं। इन पर जो ग्राहक से संबंधित सूचनाएं अंकित करती हैं वो किस तरीके से करती हैं, हमारी सूची से रिलेटेड होती हैं। अब लटकती फाइल के भी कुछ गुण होते हैं स्टूडेंट, और वो कैसे गुण होते हैं ये जान लीजिए। जैसे सरलता, सिंपल सी बात है, सरलता से इसे आसानी से ढूंढने में सरलता होती है और उसका नाम भी दृष्टि में पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि वो लटकी हुई होती है। ठीक है, हमें इसे आगे पीछे करके देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही ये खड़ी जैसी प्रणाली होती है आगे पीछे फाइलों को देख करके करना होता है कि ढूंढना होता है, ये सीधी लटकी हुई होती है और इसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मुड़ने तथा फटने का भय भी नहीं होता है और टूटी की होने की कम संभावना होती है। सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और समय की बचत भी हमारी बहुत होती है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम किसी चीज़ में गुण देखते हैं तो उसके अंदर कुछ दोष भी जरूर पाए जाते हैं। अब दोष कैसे है, ये हमारी खर्चीली प्रणाली होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं तभी हमारा ये खड़ी प्रणाली यानी सेफ्टी से रखी जा सकती है, सुरक्षित रखी जा सकती है। इसी के साथ हमारा स्टूडेंट यहाँ पर छोटे कार्यालय के लिए अनुपयुक्त हो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, ये छोटे व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं होती है, बड़े व्यापार के लिए उपयुक्त होती है। तो स्टूडेंट आपने जो जाना है आज के लिए सिर्फ इतना ही सेक्शन रहेगा, यही हमारा नशीकरण या फाइलिंग से रिलेटेड है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आज आपको बताया है। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक आज मैंने बताया इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे तैयारी करना, जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि बाकी सभी को भी पता चले कि हमारा नशीकरण फाइलिंग यानी कि इससे रिलेटेड इसके बारे में जान सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू।